प्यारे बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जिसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं, हम उसी के बारे में बता रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिफिनीशंस रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्सेस, संकुलों से संबंधित परिभाषाएं। बच्चों, संकुल यौगिक होता है जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उसमें उसके जो अणुसूत्र होता है उसमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन रहता है, लिगांड होते हैं और उपसंयोजन क्षेत्र होता है, आयनन क्षेत्र होता है, कई चीजें होती हैं। तो आइए हम इन सारी बातों को आपको एक एक करके समझाने का प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चों, फॉर एग्जाम्पल हम एक कॉम्प्लेक्स ये लेते हैं, ये फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड K4FeCN6। प्यारे बच्चों, इसमें आप देखोगे ये FE जो है ये क्या है, यह एक धातु है, मेटल। इसको कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। देखो बच्चों, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, परमाणु या आयन। बच्चों, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम और आयन। इसमें बच्चों यही है FE। तो किसको कहेंगे केंद्रीय धातु परमाणु? वह धातु परमाणु जो, बच्चों ये लिगांड है, जो लिगांडों से घिरा होता है। यहां आप देखें ये केंद्रीय धातु परमाणु या आयन है और इधर ये लिगांडों से, चारों ओर लिगांड इसको घेरे हुए हैं। तो जो जो धातु परमाणु या आयन लिगांडों से घिरा होता है और कोऑर्डिनेट बांड द्वारा जुड़ा होता है, ऐसे धातु को केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। अब बच्चों, केंद्रीय धातु परमाणु आप समझ गए, यहाँ पे FE जो है, ये FE केंद्रीय धातु परमाणु है या आयन है। बच्चों, केंद्रीय धातु परमाणु को हम शॉर्ट में लिख देंगे CMA। CMA का फुल फॉर्म आप समझ रहे हैं, सेंट्रल मेटल एटम और आयन भी इसमें जोड़ेंगे। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, क्यों इसको आयन कह रहे हैं, एटम ही क्यों नहीं कह रहे हैं, कभी एटम बोलेंगे कभी आयन बोलेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसमें यदि हम इस कंपाउंड के अंदर यदि हम FE का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, ऑक्सीकरण संख्या निकालें, तो यह आएगा +2। यानी इस कॉम्प्लेक्स में FE जो है, FE डबल प्लस के रूप में है, FE प्लस टू है, FE डबल प्लस है। तो बच्चों, इस कंपाउंड में, इस कॉम्प्लेक्स में FE डबल प्लस को हम क्या कहेंगे, सेंट्रल मेटल आयन पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, यदि हम दूसरा एग्जांपल ले लें, जैसे हम लेते हैं, मान लीजिए ये एग्जाम्पल NiCO4। बच्चों, इसमें आप देखो ये निकिल क्या है, ये सेंट्रल मेटल एटम बोला जाएगा और ये CO क्या है, ये लिगांड बोला जाएगा, ये 4 क्या है, लिगांडों की संख्या है। बच्चों, इस कंपाउंड में निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर जब आप निकालोगे
जीरो मिलेगा। तो यहां पर इस निखिल को बच्चों हम क्या कहेंगे, सेंट्रल मेटल एटम कहेंगे। इसीलिए दोनों बातें बोली जाती हैं कि सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन। अब प्यारे बच्चों पुनः हम वही एग्जाम्पल ले रहे हैं के फोर एफ ई सी एन सिक्स। तो बच्चों सेंट्रल मेटल एटम आप समझ गए होंगे, सेंट्रल मेटल एटम या आयन क्या है, वह मेटल एटम या आयन जो लिगांडों से घिरा हो और लिगांडों से कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है बच्चों, उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा हो। तो ऐसे सेंट्रल मेटल, ऐसे मेटल एटम को हम सेंट्रल मेटल एटम या आयन कहेंगे। प्यारे बच्चों ये जो सेंट्रल मेटल होता है ये लिगांडों से इलेक्ट्रॉन पेयर, एक एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन इसमें सभी लोग ये लोग दे रहे हैं, इसमें जो भी कार्बन एटम देख रहे हो ये डोनर एटम है, ये दाता परमाणु है, ये दो दो इलेक्ट्रॉन ये लोग यफई को दे रहे हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन। इसके माने यफई क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इसलिए जो सेंट्रल मेटल एटम होता है बच्चों इसको लुईस एसिड कहते हैं, लुईस एसिड, लुईस अम्ल। सेंट्रल मेटल एटम इसको लुईस एसिड कहा जाता है। अब बच्चों सेकंड में बताने जा रहा हूं लिगांड क्या है, व्हाट इज लिगांड। प्यारे बच्चों लिगांड क्या है, अभी मैंने बताया कि ये लोग लिगांड है। तो लिगांड वे परमाणु अणु या आयन हो सकते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम को कम से कम एक जोड़ा, एक पेयर इलेक्ट्रॉन देते हैं। यानी लिगांड का काम है कम से कम वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देना, किसको देना, सेंट्रल मेटल एटम को देना। तो ऐसे एटम को, ऐसे ग्रुप को, ऐसे मॉलिक्यूल को हम लिगांड कहते हैं। तो प्यारे बच्चों अब आप समझ गए होंगे ये सब क्या है, ये लिगांड है, ये लिगांड 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 लिगांड। बच्चों यहां छह लिगांड है, सिक्स लिगांड। अब बच्चों ये जो बड़ा सा ब्रैकेट लगाया जाता है इसके बड़े ब्रैकेट के जो अंदर का क्षेत्र है, अंदर के भाग को क्या कहते हैं। अब देखिए थर्ड चीज उपसहसंयोजन क्षेत्र, उपसहसंयोजन क्षेत्र या परिसर, क्षेत्र भी कह सकते हैं, परिसर भी कह सकते हैं, मंडल भी कह सकते हैं। तो बच्चों इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे दोस्तों, उपसहसंयोजन क्षेत्र को कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का वह भाग जिसमें सेंट्रल मेटल एटम रहता है और लिगांड रहते हैं, बस यही दो चीज रहते हैं, ऐसे भीतरी भाग को कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। बच्चों ये जो और स्क्वायर कोऑर्डिनेशन स्फीयर को प्रदर्शित करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं। तो बच्चों ये यहां से लेकर यहां तक का जो क्षेत्र है, स्थान है, इसको बोलेंगे उपसहसंयोजन क्षेत्र। अब बच्चों अगली बात देखें, चौथी बात आयनन क्षेत्र क्या होता है या आयनन मंडल क्या होता है। आयनन क्षेत्र कहें या परिसर, आयनन परिसर या आयनन मंडल, इसको अंग्रेजी में बच्चों आयोनाइजेशन स्फीयर कहते हैं। तो याद रखना बच्चों ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसके बाहर इधर वाले स्थान को या इस साइड वाले इधर वाले स्थान को, जो बाहर है इसके स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, इस स्थान को, इस भाग को आयनन क्षेत्र कहा जाता है। क्यों, क्योंकि बच्चों
यदि हम इसको इसका आयनन कराएं तो ये अलग हो जाएगा और ये पूरा एक साथ ही रहेगा। आप देखें, यदि मैं इसका आयनाइजेशन करा दूं तो बच्चों यहां से ये टूट जाएगा, 4K+ बनेगा और प्लस ये पूरा एक साथ रहेगा FeCN6 और इसके ऊपर 4- आएगा। तो बच्चों ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स आयन है, ये कॉम्प्लेक्स आयन है और ये क्या है बच्चों, सिंपल आयन है। तो यहां वाला चीज अलग हो गया आयोनाइजेशन। इसी प्रकार बच्चों यदि हम दूसरा एग्जांपल लें, आप देखें दूसरे एग्जांपल में जैसे ये हम ले लेते हैं CuNH3O4। प्यारे बच्चों अब ये वाला स्थान क्या कहलाएगा, उपसहसंयोजन क्षेत्र हो गया ये। तो ये क्या है, आयनन क्षेत्र है, ये आयोनाइजेशन स्फीयर ये जो पार्ट है और ये पार्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर। बच्चों यदि इसका आयोनाइजेशन होगा तो CuNH3O4 इसके ऊपर आएगा डबल प्लस और प्लस SO4 डबल माइनस। बच्चों इस पर डबल प्लस होगा, इस पर डबल माइनस। बच्चों ये जो आयन है ये कॉम्प्लेक्स आयन है और ये कैटायन है, ये बच्चों ये सिंपल आयन है और ये एनायन है। तो आपने देखा कि यहां वाली चीज भी अलग हो रही है और इधर वाली चीज भी अलग। बच्चों यदि इसमें बात करें, इसमें हमारा सेंट्रल मेटल कौन है, तो ये Cu और यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों निकालें तो Cu का ऑक्सीडेशन नंबर यदि आप निकालोगे तो बच्चों पाओगे +2। इसका मतलब यहां पे Cu किस फॉर्म में है, Cu डबल प्लस में है। तो यहां कहेंगे कि इसमें सेंट्रल मेटल आयन कौन है, आयन कहेंगे Cu डबल प्लस। और बच्चों NH3 क्या है, ये लिगांड है, ये चार लिगांड हैं, ये Cu को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। और इसमें बच्चों ये जो नाइट्रोजन है ये डोनर एटम है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये देता है। तो बच्चों लिगांड चूंकि इलेक्ट्रॉन देता है इसलिए लिगांड को कहा जाता है, ये लिगांड को क्या कहा जाता है, लिगांड को लुईस क्षारक कहा जाता है, लुईस क्षारक। एक बार पुनः ध्यान दें बच्चों, जो सेंट्रल मेटल एटम होता है ये इलेक्ट्रॉन लेता है, एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इसलिए ये लुईस एसिड है। और CN क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर है, डोनेट करता है, देता है, इसलिए इसे लुईस बेस कहते हैं। इसे ही नहीं, जितने भी लिगांड हैं इनका यही काम है, लिगांड का मेन काम है सेंट्रल मेटल एटम को कम से कम एक जोड़ा वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देना। कुछ ऐसे भी लिगांड होते हैं जिसमें एक डोनर एटम नहीं, दो डोनर एटम होते हैं, तो वो दो पेयर इलेक्ट्रॉन देते हैं। किसी में तीन डोनर एटम होते हैं, वो तीन पेयर इलेक्ट्रॉन देते हैं, और हर इलेक्ट्रॉन पेयर एक एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। प्यारे बच्चों यदि हम यहाँ पे FeCN के द्वितीयक संयोजकता की बात करें, सेकेंडरी बैलेंसी का बात करें, तो सेकेंडरी बैलेंसी बच्चों ये जो मेटल होता है सेंट्रल मेटल, इसकी दो प्रकार की संयोजकता होती है, एक को प्राइमरी बैलेंसी दूसरे को सेकेंडरी बैलेंसी कहते हैं। बच्चों जब ये लिगांड से जुड़ता है सेंट्रल मेटल तो अपनी सेकेंडरी बैलेंसी का प्रयोग करता है, यहाँ पर जितने बॉन्ड हैं इसी को सेकेंडरी बैलेंसी कहेंगे। तो यहाँ FeCN की सेकेंडरी बैलेंसी 6 है। बच्चों यहाँ पे कॉपर की सेकेंडरी बैलेंसी 4 है, 4 है। अब बच्चों बात आती है, हमने आपको सेंट्रल मेटल एटम बता दिया, ये सेंट्रल मेटल एटम आयन है, ये लिगांड है, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का जो पोर्शन है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, बाहर का जो पार्ट है वो आयोनाइजेशन स्फीयर है। अब एक बार पुनः बच्चों
K4FeCN6 का एग्जांपल लेते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो 6 आप देख रहे हो, ये क्या है? ये इसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको हिंदी में उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं। प्यारे बच्चों, FE की उपसहसंयोजन संख्या 6 है। अब हमने यहां पे उपसहसंयोजन संख्या के बारे में भी बता दिया, तो अब कल मैं बच्चों बताऊंगा कि ये जो हमारे कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और उनकी क्या कैसे पहचान करेंगे।